नमस्कार। टॉप 5 खबर को जीवा पूर्व नजर पकाइबा वर्तमान समय एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। आसंता 31 तारिख रे हेबाकु थिबा ब्रजराजनगर विधानसभा आसन उपनिर्वाचन पई राज्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी प्रेस मीट करिसंती। से कहिसंती 31 तारिख रे ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन पई पड़िबो भोट, जून 3 रे गणति एवं फल प्रकाश हेबो। एथिपई आज विधिबद्ध भाव में विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सहित कोड ऑफ कंडक्ट लागू होईछि। आज ठारू नामांकन प्रक्रिया मध्य आरंभ होईछि। आज 11 तारिख मध्य दिन 11 अपराह 3टा मध्य नामांकन पत्र दाखल करें प्रार्थी। 12 तारिख हेब प्रार्थीपत्र जांच। प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारिख रही मे 17 दिन 11 अपराह 3टा भितर रिटर्निंग ऑफिसर पाखे प्रार्थी माने नामांकन पत्र दाखल करें। राज्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी कहते 279 बूथ हेब मतदान। भोट पर ईवीएम प्रस्तुत रही। भिविपाट्र व्यवस्था रही। मास्क परिधान सहित सामाजिक दूरता रक्षा करा जिवो। कोविड कटकणा भितर हेबो मतदान। एही उपनिर्वाचन में मोट 2,14,745 जन भोटर निजर मताधिकार साब्यस्त करेंगे। उपनिर्वाचन को स्वच्छ और शांति श्रृंखला शेष करने सबु प्रकार व्यवस्था होइछि। 31 मे 2022 रे चुनाव हबो और 3 जून 2022 रे काउंटिंग हबो। डिटेल शेड्यूल ए प्रकार अछि। आज विधिवत घोषणा है 4 मे 2022। नॉमिनेशन फाइल हब लास्ट डेट 11 मे 2022। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 12 मे 2022। विड्रॉल हब 17 मे 2022 सुधा। पोल 31 मे 2022 और काउंटिंग 3 जून 2022 और 5 जून 2022 सुधा चुनाव सबु प्रक्रिया शेष हब। या संगे संगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मध्य लागू हो जाए। स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू अन्य जिते संस्था अच्छी समस्त लागू हम। ये टोटल भोटर संख्या जोटा कि एज ऑन टुडे आम 2,14,745 भोटर अच्छा। ता भितर पीडब्ल्यूडी भोटर जे विकलांग भोटर माने अच्छा संख्या है 3,519। 80 वर्ष रु ऊर्ध आयुर जो भोटर अच्छा संख्या है 3,127। ये कन्स्टिट्युएंसी रे आम रिपोर्ट अनुसार समस्त को इपिक कार्ड दिया है। इपिक कवरेज 100% अच्छी। जे इलेक्ट्रोल जोटा व्यवहार हो ब्रजराजनगर असेंबली उपचुनाव पाई सोटा एबे भी अपडेसन हो पार। अपडेसन प्रक्रिया लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 11 मे पर्यंत चालू रहिबो। जे माने एबे भी अप्लाई करिसेंती आमे निर्देश देइछु जिला प्रशासन को ईआरओ सब कलेक्टर को कि अपन सबू एप्लिकेशन से मानकर डिस्पोज ऑफ करंतु 11 मे 2022 सुधा। तापरे से दिन जते इलेक्ट्रल रोल ना रहिबो से मानकर गोटे नुवा तालिका प्रकाश पाइबो। से तालिका अनुसार भोट ग्रहण कराजिवो। बढ़ला रेपोरेट। रेपोरेट 40 बेसिस पॉइंट वृद्धि पाई। आउ रेपोरेट 4% वृद्धि पाई 4.40 बेसिस पॉइंट रे पहुंची। 2018 मसीहा अगस्ट मास पर प्रथम थर पर रेपोरेट वृद्धि नहीं घोषणा करिसेंती रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास। तेबे मुद्रास्फीति को नहीं रिजर्व बैंक चिंता प्रकट करिसेंती। से भली कैश रिजर्व रेशियो बा सीआरआर 50 पॉइंट वृद्धि नहीं घोषणा करा जायछि। सीआरआर वृद्धि द्वारा मार्केट रु 83,711.55 कोटी टंका बाहर करा जाई पारिबो। मे 21 तारिख मध्यरात्रि नुआ सीआरआर लागू हेबो। आरबीआई गवर्नर कहिसेंती ग्लोबल मार्केट रे विभिन्न सामग्रीर दरदाम वृद्धि, पेट्रोल, डीजेल, रंधन गैस दर वृद्धि जोगु रेपो रेट रे परिवर्तन करिबा पई पड़िछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु विश्व रे अभिवृद्धि प्रभावित होइछि। आउ देशर अभिवृद्धि को मिड टर्म अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बळ जोगाइबा पई सुधहार ह्रास करा जायछि। सेपटे सुधहार वृद्धि पर ईएमआई बढ़ जहाँफल अटो गृह ऋण सुध वृद्धि पाइब। सेपटे मुद्रास्फीति को नहीं रिजर्व बैंक गवर्नर चिंता प्रकट करिसेंती। The Monetary Policy Committee decided to hold an off-cycle meeting on 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook. The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. ए संपर्क में अधिक आलोचना करवा सुधांशु रंजन प्रधान अर्थनीति विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी। श्रीजुक्त प्रधान आपण को स्वागत करुच्ची। रेपोरेट और शेयर वृद्धि में यार प्रभाव कौन देखुं विभिन्न वर्ग विभिन्न क्षेत्र उपर सकारात्मक और नकारात्मक। श्री नरेंद्र मोदी आरबीआई अपेक्षा समिति आमर बर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति में देश में जो भाया इनफ्लेसन रेट बढ़ी चली तो कंट्रोल करने ये गोटे प्रिवेटिव मेजर आप आमर आज डेट इनफ्लेसन इंडेक्स जदि 8% भाया रहा जोटा कि कमन आम 6% अलाउ करूँ तो आरबीआई ये गोटे प्रिवेटिव मेजर ना मार्केट रु किसी पैसा पाखक नापी कंट्रोल करने जानते हैं कोरोना काल में प्राय आरबीआई 3 लाख कोटी ऊर्धव पैसा मार्केट को छाड़ा विभिन्न प्रकार वे जो आरबीआई विभिन्न प्रकार प्रमोशनाल अथोरिटी हो व्यवसाय विभिन्न प्रकार प्रतिष्ठान को सब्सिडी रेट रे इंटरेस्ट हो विभिन्न प्रकार जीएसएल पीएसएल सब जिनसे जो सब पैसा छाड़ा तो द्वारा कौन होता मार्केट में बर्तमान आसलानी स्टेबिलिटी जो से पैसा किसी नहीं पार मार्केट रू या द्वारा कौन हम 4% जो आज डेट पर्यटन लास्ट यहाँ मे 2020 कमे रखी 40% को आज ये जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ये डिक्लेयर करेंगे 4.5% को द्वारा कौन हम प्राय नियर अबाउट 85,000 to 90,000 crore पैसा सी पाखक नहीं गले तो मार्केट रे कौन आसो बर्तमान इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जेहेतु एगुड़ाक रेट गुड़ाक मानते कमी कमी था इंटरेस्ट रेट पर्सनाल सेगमेंट रो हाउसिंग रो कार लोन रो गोल्ड लोन रो ये सब रेट अफ इंटरेस्ट गुड़ाक आस्ते आस्ते पास ऑन कर कस्टमर को कारण यहाँ कहते कौन इमिडिएट इफेक्ट मे 21 रु इफेक्टिव रेट रे कर तो जहाद्वारा कौन हम आम इंटरेस्ट बर्डन टा भी कस्टमर हाथ में बढ़ो साइमल्टेनियसली डिपोजिट भी रेट टा भी भल रहा कारण एफडी जो इंटरेस्ट रेट दौले इंटरेस्ट रेट से एफडी हो संचय खाता हो कि वृद्धि घटो निश्चित भाव वृद्धि घटो यार प्रतिकूल प्रभाव कौन पड़ बैंक ऊपर बैंक रो संग्रह बढ़िबो कि बैंक रो संग्रह बढ़िबो नहीं बैंक रो जति सेविंग पैसा थिला ता द्वारा अधिका पैसा से बर्तमान आरबीआई पाखरे डिपोजिट रखिबो इन ऑर्डर टू लेंड दैट लोन जो लोन सेगमेंट जोटा दउतला सेटा को कंट्रोल करिया को चाहतो किंतु सर जदि सुधार बढ़े ए चर्चा मध्ये होउची कारण जे माने रहउचंती बैंक डिपोजिटर बा बैंक रे जे माने निवेश करिवा पई चाहुथिले से माने अमंग हेउथिले जदि सुधार रे किछिटा बढ़े किछिटा लाभ पांती ताहले से दिग प्रति आकर्षण बढ़िबो कि आकृष्ट हेबे कि निश्चित रूपे गोटे अल्टरनेटिव ऑप्शन इन्वेस्टर मानो पाके रहियो आगे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त प्रधान आम सहित आलोचना करथिबा पई। आज साधारण निवेशक किनिपारे एलआईसी आईपीओ 2 तारिखर यह आंकर इन्वेस्टर खोली हेले एवं साधारण निवेशकों सुजोग आसी प्रति आईपीओ मूल्य 902 टंकार 949 टंका मध्य रही गोटे लट्रे 15टी इक्विटी शेयर थिबा बेले निवेशकों को देवाई पड़ अति कम्रे 14,235 टंका बीमाधारी और एलआईसी कर्मचारी आईपीओ रही रिहाती बीमाधारी 60 रिटेल निवेशक और एलआईसी कर्मचारी 45 टंका रिहाती मिल आईपीओ एलआईसी 22,13,74,920 शेयर बिक्री खोला बजार हुई 21,000 कोटी टंका उठाइबा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार पॉलिसी होल्डर को एलआईसी आईपीओ किनिबा पई हेले डीमार्ट अकाउंट खोलिबा पई पड़िबो प्रथमरु एलआईसी 5% बिक्री करिबा पई चाहुथिबा सरकार परे यहाकू 3.5% को कमाई दैछंती सेबी निकट में दाखल होइतिबा तथ्य अनुसार मे 17 रे स्टॉक मार्केट रे लिस्टिंग हेबो एलआईसी आईपीओ तेबे ता पूर्वरु 16 तारिख रे निवेशकों को डीमार्ट अकाउंट को आसीबो शेयर अधिक आलोचना चार्टर्ड अकाउंटेंट चित्तरंजन बेहरा आम सहित जोड़ी। श्रीजुक्त बेहरा आपको स्वागत करुच्चे आईपीओ किनिबा पई परामर्श आपनकर कोन रहिबो प्रक्रिया कोन रहिबो से नै कोन कहिबे देखंतु ए जो एलआईसी रो आईपीओ आसीबो बोली एटा हमें दीर्घ वर्षे भी अधिक दिन धरी हमें समस्त जानितिले एलआईसी मध्ये ताको बहुल भाव में प्रचार करथिला जो माने पॉलिसी होल्डर थिले सेमानकर पैन को लिंक करिया पई से माने विभिन्न समय रे विज्ञापन देइ चलथिले तेनु टोटल जो 21,000 कोटी टंका इश्यू हम जो आगे कहते हैं पखापाखि अधा रही पॉलिसी होल्डर मानक पई आ रिटेल पोर्सन पई एवं एम्प्लॉय मानक पई आपण जो जो कहते हैं निवेश करवा उचित हम ना उचित हम ना देखो एलआईसी हूँ गोटे पृथ्वीर सबुठ 5म बृहत्तम संख्यार जो देखा जाए बड़ इन्स्योरेन्स कंपनी एवं आसेट जो पाखापाखि 40 लाख कोटी टंकार पुंजी एलआईसी पाखे बर्तमान रही माने आसेट अंडर मैनेजमेंट जोटा कि पृथ्वीर 10th बिगेस्ट कंपनी बोले आम कहीपर इन्स्योरेन्स कंपनी। तो यार ग्रोथ जदि आम कह इंडिया रे एलआईसी रो जो माने लाइफ इन्स्योरेन्स रो जो पेनिट्रेशन अच्छी सेटा वर्तमान सुधा लोक बहुल भाव में निजक से इनस्योर करना माने भारत रे इन्स्योरेन्स व्यवसाय जीवन बीमा व्यवसाय गोटे बहुत बड़ बजार रही बहुत बड़ स्कोप रही जोटा संपूर्ण भाव में वर्तमान सुधा तार एक्सप्लोर करा जाई नाही। एलआईसी को जो देखा जाए ताले 64% तार मार्केट शेयर अच्छी आउ जो 36% शेयर माने जो बजार रे जो टोटल व्यवसाय जति की हुए जीवन बीमा एलआईसी 64% करे 36% अन्य जो घरोई व्यवसायी घरोई कंपनी सब करती। तो आपको जो देखा जाए ताले जो विशेषज्ञ मानकर कहवा कथा जे एलआईसी रो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत भल अछि विशेष करी जते बेले सरकार जते बेले आपण मध्ये कहूतिले जो तांका 5% निवेश करिया को जो निष्पत्ति रु 3.5% निवेश करिया पे जो कमे देले जो साइज कमे देले से प्राइस मध्ये कमे देले तार जो वैल्यू जोटा एलआईसी रो संपूर्ण बाजार मूल्य को पाखापाखि 6 लाख कोटी टंका सरकार के 3.5% मूल्य 21,000 कोटी टका। श्रीजुक्त बेहरा सीधा सड़क मोर प्रश्न रही लोके सब बेले सुरक्षित निजर अर्थ केमती रही चिंता करती आम पूर्वर देखी आसीचे एलआईसी से भरोसा रही आसी आईपीओ भरोसा आसो कि लोकंर से विश्वास आसी पार कि देखो ये आईपीओ जोटा तार शेयर कैपिटल निवेश शेयर कैपिटल रे जो इन्वेस्टमेंट करा जाए किसी गोटे निश्चितता न थाए तेणु जदि आप कहे सुरक्षित निश्चित निश्चित जति टंका आप 100 टंका जदि निवेश करेंगे ताले केवल जदि आप माने बैंक रो फिक्स डिपोजिट करंदी ताहले ही आप 106 टंका बा 107 टंका पाइबे बा जो डेप्ट इन्वेस्टमेंट जो जोडी को डेप्ट पॉलिसी थाए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट थाए माने जोटा ऋण पत्र जोटा कहबा सेथिरे निश्चितता थाए किंतु आपण जदि निवेश करिवे शेयर कैपिटल रे सेथिरे एटा बढिबो बा कमिबो से कथा केही कहि परिबे नै कारण सेगुडी को विभिन्न प्रकार बाजार आपद विपद सहित तार संपर्क होइछि एवं डिपेंड करूछि जे धरा जाऊ एलआईसी जो मानु कवर करछि ता जे कोनो से गोटे कारण बहुत अधिक संख्यक लोकन मृत्यु हो गला तो एलआईसी लॉस हो शेयर प्राइस भी खसी जीव तेणु एगुड़िक आम जो आगामी दिन में कौन हम से विषय कहीं कहीपरेनि किंतु एलआईसी जो जोगुड़िक ग्यारंटेड प्रोडक्ट अच्छे एलआईसी सेगुड़िकर निवेश कले आप निश्चित भाव में सुरक्षित और आप चाहते बर्तमान स्थिति संपत्ति को जदि देखा ताहले भविष्य उज्जवल कहुए माने रिजनेबली आम जब कहवा देर इज ए रिजनेबल एक्सपेक्टेशन गोटे संभाव्य आशा करा भल भल हम बोली किंतु जदि आप कह यार ग्यारंटी अच्छी बोली मुझे ग्यारंटी जहाँ को दरकार से एसे नवेश न करी बैंक फिक्स डिपोजिट बा एलआईसी विभिन्न प्रोडक्ट अच्छी जो से ग्यारंटी दौरान सेगुड़िक निवेश करवाटा सुरक्षित हम और निश्चितता रहा सर जमी आप कहते कि 5% शेयर बिक्री करने चाहूँगे सरकार किंतु वर्तमान 3% बिक्री करुँच आगामी समय आशा कराए कि 3% को आहरी बढ़े पारती 5% 7% को जापारती निश्चय आप देखिए सरकार जो विनिवेश लक्ष्य रही सरकार जो कहते हैं गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सी प्रकार व्यावसायिक कार्य सरकार सरकार नवेश रहा उचित नुह मानता अर्थ जे जो जीवन बीमा कारोबार गोटे व्यावसायिक कारोबार तेणु से सरकार जो माने मालिकाना से सरकार धीरे धीरे ओहरिया चाहते तेणु एवं जो आम जो बजेट रो जो डेफिसिट आम जो देखा जे आम जो माने नियंत बजेट ताकू भरणा करने मध्य सरकारी उद्योग गुड़िक जो पूंजी प्रत्याहार करने सरकार जो लक्ष्य रखुंट से गुड़िक आप जो देखिए गत 5-7 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर सरकार लक्ष्य साधित ही नहीं तेणु आगामी दिन में ये जो 3.5% विनिवेश करा जाउछि आगामी दिन में बढ़िबो एते कोनो संदेह नै बिल्कुल एवं जो लक्ष्य एवं उद्देश्य रखा जाय छि ता केते दूर वास्तव रे पूरण हेउछि ता तो समय ही स्पष्ट करिवो। धन्यवाद श्रीजुक्त बेहरा हम सहित आलोचना करथिबा पई। आसिबो कि बात्या बात्याकु नै लोकंक भितरे आशंका दाना बांधुथिले मध्य पानीपाग विभाग एबेठारु लगाई पारुनी कोनोसी अनुमान 6 तारिख को करिछि अपेक्षा या भितरे किंतु दक्षिण आंडामान सागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल में सृष्टि हो सारी एक घूर्णिबलय आसंता 6 तारिख बेलू यह लघुचाप क्षेत्र में परिणत होगा संभावना रही पाणीपाग विभाग कही लघुचाप क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर अधिक घनीभूत हो 8 तारिख सकाल सुधा यह अवपात्रे परिणत हो पारे। तेबे घूर्णिबलय प्रभाव में पवन और वर्षा लगी रहिबो। आंदामान सागर पार्श्वर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में 5 तारिख परठारु 40 रु 45 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। 8 तारिख बेलू पवन बेग घंटा प्रति 65 किलोमीटर और झटका पवन सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगरे बही पारे। जदिव प्राक मौसुमी समय अर्थात एप्रिल और मे मास बात्या पई अनुकूल परिवेश सृष्टि करि थाए, तेबे संभाव्य बात्या नै एबे थारु किछि आकलन करा जाई पारिबो नाही। तेबे 7 तारिख जाए कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हेबो। आगामी 24 घंटे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर गजपति गंजाम खोर्धा पुरी नयागढ़ केन्दुझर मयूरभंज और कंधमाल में घड़घड़ी बिजुली सांग को वर्षा हो पारे। यह समय 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा संभावना रही से सबू जिला को येलो आलर्ट जारी कर संभाव्य बात्या नहीं चित्र स्पष्ट हो नथिबा बेले मुख्य शासन सचिव कहते जदि भी बात्या आसे तार मुकाबिला पई राज्य सरकार संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अछंती। एथिपई जिलापाल माननकु आलर्ट कर दिया जायछि। आमे आग्र जो पूर्वानुमान करिथिलो से अनुसार आज गोटे घूर्णिबलय अर्थात साइक्लोनिक सर्कुलेशन उपरस्थ वायुमंडल में सृष्टि होती है। यार प्रभाव में गोटे लघुचाप क्षेत्र 6 तारीख सुधा दक्षिण आंडामान सागर में सृष्टि हो पाए। तापर यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 8 तारीख सकाल सुधा गोटे डिप्रेसन में परिणत हो पाए। यार प्रभाव में बर्तमान आंडामान सागर आंडामान निकोबार आइलैंड निकटस्थ पूर्व बंगोपसागर में स्क्वाली वेदर रहिबो। पवन काली पाखु 40-50 किमी प्रति घंटा प्रवाहित हो पाए। धीरे धीरे बढ़ी 8 तारीख सकाल बेलू 55 रु 65 और दक्षिण 75 किलोमीटर प्रति घंटा होवार संभावना रही अंचल में। तेणु मत्स्यजीवी भाई मान अंचल जावाई बारण करते यहाँ गोटे लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो 6 तारिख से यार रूपरेख विषय पर यार गतिपथ एवं सर्वाधिक तीव्रता भितर पूर्वानुमान कर पूर्वर आम सूचना जारी कर 4 तारिख बेलू गोटे घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना था दक्षिण आंडामान सागर और तार पार्श्वर्ती अंचल जहाँ आज से अनुजाई आमर दक्षिण आंडामान सागर और पार्श्वर्ती अंचल गोटे घूर्णिबल सृष्टि होती जहाँ अनुमान कर जो घूर्णिबलटी सृष्टि होती प्रभाव में आमर 6 तारिख बेलू गोटे लघुचाप क्षेत्र दक्षिण आंडामान सागर पार्श्वर्ती अंचल सृष्टि हो। यह लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगापर यह उत्तर पश्चिम दिगरे धीरे धीरे गति एवं परवर्ती सृष्टि होवार परवर्ती 48 घंटा पर यह आहरी घनीभूत हो गोटे अवपात बा डिप्रेसन रूप नवार संभावना रही। जेहेतु डिप्रेसन रूप नवार संभावना रही तेणु ता सहित आम पवन वर्षा लगी रही। किंतु वर्तमान परिस्थिति में जो आम तथ्य रोचे जेहेतु लघुचाप क्षेत्र परिणत होनी तेणु ये जो संभाव्य अवपात बा लघुचाप जो रोचे ता परवर्ती स्थिति में क्यों दिगरे गति करिबो एवं क्यों उपकूल आड़े मुहाइबो एवं उपकूल को यह क्यों समय अतिक्रम करिबो ता विषय में कौन आकलन वर्तमान समय जारी करा जाय नै। ये जो संभाव्य घूर्णिबल प्रभाव में जो 6 तारिख बेलू लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो यार परवर्ती आकलन सब जारी एप्रिल मे रे जेकोसी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती तेणु ताकू आम साधारणतः भाव निरंतर अनुध्यान करण ये जो सामुद्रिक जो रोचे जो पारिपार्श्विक स्थिति रोचे ता बात्या सृष्टि करने अनुकूल रही है। समुद्र तापमात्रा हो वायु प्रवाह हो ता छड़ा जो आपणकर रोचे जो वायुमंडल अस्थिरता ये सबू माने बात्या सृष्टि करने फेवरेबल था तेणु ताकू प्रति मुहूर्त आम निरंतर अनुध्यान करूँ और जदि भी बात्या सृष्टि होवार संभावना रोचे ताकि आम आपम ही पहुँचुँ लोक माने पाखरे तेणु ता विषय में विशेष बिव्रत होवार आवश्यकता नहीं। जहाँ लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेले ही यही चित्र संपूर्ण भाव स्पष्ट हो। सिम कार्ड राकेटर खोल गुमर सिम कार्ड जालियाती मामलें गिरफ 3 अभियुक्तों 5 दिनिया रिमांड आनी क्राइम ब्रांच सेमानंकु जेरा करी अधिक तथ्य हासिल करिबो तदंतकारी संस्था। क्राइम ब्रांच एडीजी कहते कि स्कानर में रहिबे मोबाइल सेवा प्रदानकारी संस्थार डीलर पॉइंट और सिम विक्रेता सेठारे चढ़ाऊ करिबा पई सबु जिल्लार एसपी माननकु निर्देश दिया जायछि। या सहित किसी सर्विस प्रोवाइडर संस्थार मुख्य अधिकारी खूब शीघ्र जेरा कराजिबो। एथिपई सेमानंकु नोटिस मध्य जारी कराଯାଇଛି। सेहि भली फेक प्री एक्टिवेट सिम बिक्री रोकिबा पई जो गाइडलाइन अछि ताहा कड़ाकड़ी पालन हेउछि ना नाही से नै डीलर माननकु जेरा करिबो क्राइम ब्रांच। 3 अभियुक्त दुष्मंत साईप्रकाश और अविनाश मध्यरु साईप्रकाश बीएसएनएल डीलर थिबा बेले अविनाश तार कर्मचारी थिला। मास्टरमाइंड दुष्मंत बायर सेलर ग्रुप रो मुख्य थिला। दुष्मंत एवं तांको परिवार लोकंक मोट 7टी बैंक अकाउंट 3टी पेटीएम अकाउंट ठाब होईछि। सेथिमध्यरु 2टी पेटीएम रो तथ्य पाइछि क्राइम ब्रांच। 2020 एप्रिल 18 रु होईछि एही जालियाती। 2टी पेटीएम अकाउंट रे 30 लाख टंका रो कारबार होईथिबा तथ्य मिलिछि। अन्य अकाउंट गुडीकर तदंत जारी रहिछि। जना पड़ी लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला नाँरे फेक सिम बाहर करी लोकसभा सांसद मानू टंका मागुथिले ठक। तदंत बेले जना पड़ी जे सही सिम ढेंकानालू किणा हुई आक्टिवेट होइथिला। क्राइमब्रांच टीम कटक में चढ़ाऊ कर जाल सिम कार्ड घटनार पर्दाफाश करिथिला। 19,000 अधिक नन आक्टिवेट सिम कार्ड जबत करिथिला क्राइमब्रांच। घटन में ढेंकानालू 3 जण अभियुक्त मध्य गिरफ होइथिले। किछि दिन तले क्राइमब्रांच रो साइबर टीम ढेंकानाल जिले में 19,000 अधिक रिएक्टिवेटेड सिम धरते। से केस रे जो मुख्य अभियुक्त दुश्मन समेत आउ 2 जण को 3 जण आक्यूज को आज क्राइमब्रांच टीम 5 दिन रिमांड आनी अधिक तदंत जारी रखी। आत जो मोटामोटी BSNL जिओ और वोडाफोन मैक्सिमम रिएक्टिवेटेड सिम थिला, तेणु से ही 3टी सर्विस प्रोवाइडर जी ढेंकानाल मुख्य BSNL एवं जिओ एवं वोडाफोन जी भुवनेश्वर कमर्शियल मैनेजर से मानू नोटिस जारी करा जेरा करने। एतद्यतीत सबू एसपी मानू आम निर्देश देचु जे तांको एरिया रे जो सिम सेलर रही विभिन्न कंपनी से माने इंटेलिजेंस कलेक्शन करी विभिन्न जो माने फ्रॉड सिम रखुछंती बा बिक्री करछंती ता उपरे रेड करिया पई। आउ जो दुष्मंत जी एथर मुख्य अभियुक्त तांकर टोटल तांको बापा भाई एवं तांको नारे मिसे कि से 7टा बैंक अकाउंट रे ट्रांजैक्शन करथले। एतद्यतीत 3टा पेटीएम अकाउंट मध्ये करथले। सेदरु 2टी पेटीएम अकाउंट रो डिटेल्स हम पाखरे पहुंची। से प्राय 2 वर्ष धरी से पेटीएम अकाउंट थ्रु रे पैसा रिसीव करछंती एवं पाखापाखी 30 लाख टंका रिसीव होईछि तांको 2टी पेटीएम अकाउंट रे। तेणु एथिरे हमर आउरी अधिक तथ्य जानिया पे आमे तदंत जारी रखिछु। आउ से जो बायर सेलर जो OTP ग्रुप थिला तार अन्य सदस्य किए सेटा हमर तदंत आउरी अधिक करिवु। निश्चित भाव में अधिक सूचना पर करस्पंडेंट दीपक सामल आम सहित फोन लाइन जोड़ी। दीपक, रिमांड समय फोकस रे कौन रहिबो, कौन सब योजना करा जायछि क्राइम ब्रांच पक्षरु? देखंतु रिमांड समय विशेष कर 3 अभियुक्तंकर नेटवर्क केउ जाय रहिछि। विशेष कर माने केबे थारु एभली फ्रॉड सिम कार्ड को जालियाती करथि एवं विशेष कर मानको लिंक रे आउ केउ मन अछंती ए सब दिग नै खोलतार करिवो क्राइम ब्रांच। निमेति पई 5 दिन रिमांड और आनिछि अभियुक्त को सहित राज्य बाहर एम नेटवर्क के तार तो खोलताड़ कर जिलार आउ के एजेंट कि सदस्य सक्रिय अंति से सब दिग नहीं क्राइमब्रांच में खोलताड़ कर फोकस जब कह तेज से जो सब सिम कार्ड गुड़िक जालियाती करते जो सब दुकानी अंति कि जो मैंने सब विक्रेता अंति से खूब शीघ्र चढ़ाव कर सबू जिलार एसपी और कमिश्नर पुलिस और डीसीपी को क्राइमब्रांच पक्ष निर्देश दिखाई जहाँ सूचना रही आसंता काली विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ बेले जो मैंने नियम उल्लंघन करते कि जो मैंने बेआईन भाव एभली फर्जरी करते से आक्शन नब क्राइमब्रांच। एपाई सबू जिलार एसपी और डीसीपी को निर्देश रही कि यार एक तथ्य आसूची जे लिंक रे जो टंका ट्रांजाक्शन होती जे 2टी ये पखापाखि 30 लाख टंका ट्रांजाक्शन होती 2 वर्ष मध्य एत टा से पाइले कौटू किए एत टा ट्रांजाक्शन देला सहित एम आकाउंट आउ कुआड़ कुआ टाइम ये सब दिग नहीं सिम डीलर आउ डिस्ट्रीब्यूटर मान केमी नजर रखा से सब चेक कर सिम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छा आसंता काली क्राइमब्रांच पक्ष जो निर्देश दिखाई सब जिले में मानक जो सब बड़ बड़ डीलर अंतर रेड कर जो मैंने बेआईन भाव में सब सिम कार्ड बिक्री करुवे जो मैंने आईन को हाथ गुड़े से आक्शन को निर्देश रही। तेणु जितेबाला केवल भुवनेश्वर कटक नुह सबू जिलार एसपी मान को नहीं अवगत कराई विशेषकर जो मैंने सिम कार्ड को फर्जरी करते से आक्शन ने जो मैंने बेआईन भाव में सिम कार्ड को बिक्री करते गिरफ कर दीपक आम देखुचे पूरा तमाम देश में विभिन्न समय फ्रड कल सब आसूची से फेक सिम कार्ड रो व्यवहार करा जाउची सबकि ढेंकानाल रु हेउथिला ना देशर विभिन्न जगह एभली किसी चली थाई पारे ए आशंका आसूची एबे सुधा जा जना पड़ी अधिकांश फ्रड कल आक्सी गुड़िक ढेंकानाल होती किंतु परवर्ती मुहूर्त में नंबर गुड़िक विभिन्न जिला और राज्य बाहरक मध्य जाइए तेणु जदिव क्राइम ब्रांच स्पष्ट करे क्यों जिले एबे भी सक्रिय रही तेणु से आशा रखिंट जो रिमांड रहा तीन अभियुक्त को लिंक रे क्यों जिले अच्छा संपूर्ण तदंत को अपेक्षा रहिबो दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपनको सूचना पाई। यूरोप गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्तर आज शेष दिन में डेनमार्क विभिन्न राष्ट्र मुख्यों सहित आलोचना करिसेंति प्रधानमंत्री। डेनमार्क राजधानी कोपेनहागेन रे नॉर्वेर प्रधानमंत्री को साक्षात करिसेंति मोदी। दुई नेतांक मध्य भारत और नॉर्वे मध्य द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि नहीं होई आलोचना परे इंडिया नॉर्डिक सम्मिलन में सामिल होती प्रधानमंत्री मोदी। सम्मिलन में डेनमार्क सहित आयरलैंड फिनलैंड स्वीडेन और नॉर्वेर शीर्ष नेतृवृंद सामिल होती। कोरोना परवर्ती आर्थिक स्थिति जलवायु परिवर्तन वैषयिक ज्ञानकौशल अक्षय शक्ति और अंतर्जातीय सुरक्षा आदि प्रसंग में इंडिया नॉर्डिक सम्मिलन में आलोचना होपर सेठारे प्राय 16,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे मोदी। डेनमार्क में कार्यक्रम सारिबा परे कोपेनहागेन छाड़े पीएम फेरिबा समय प्यारिस रे फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को भेटिबे मोदी। एलिसी पैलेस रे उभयंक मध्य हेबो द्विपाक्षिक आलोचना। यह अवसर में अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करेंगे दुई देशर नेता जहाँफल दुई देशर संपर्क आहरी मजबूत होने आशा करा जाउछि।